गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के 3 दिवसीय मॉनसून सत्र का समापन हो गया है, जिसमें कि तीसरे और आखिरी दिन मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच स्थगित किया गया था। सदन स्थगित होने से पहले सदन के भीतर कांग्रेस विधायकों की अपनों के ही प्रति नाराजगी देखने को मिली थी। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपने ही पार्टी पर सदन में बोलने का मौका न दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। हरीश धामी ने कहा वो आपदा के मुद्दे पर बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्होंने सदन से बाहर आकर मीडिया के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हरीश धामी ने कहा कि उनकी विधानसभा सीमांत विधानसभा है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाली विधानसभा है, जहां आपदा से उनके क्षेत्र की जनता का बुरा हाल है। इसके बाद भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने पहाड़ी मूल के विधायकों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर मित्र विपक्ष की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। हरीश धामी ने कहा कि वे इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से करेंगे। फिर एक बार सत्ताधारी और विपक्षों ने पहाड़ की आवाज को दबाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य के सबसे आपदाग्रस्त 3 जिले हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ से अभी जो है सीट खाली है विपक्ष में, और विपक्ष का जो है चमोली से नया विधायक आया, न उसको मौका मिला, न जो सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त धारचूला विधानसभा है पिथौरागढ़ जिले का। आप सब देखते हैं मैं जब से विधायक बना हूं हमेशा चाहे कोई भी विधानसभा सत्र हो मैं आपदा के मामले को लाता हूं, कार्यस्थगन के मामले में। आज दुर्भाग्यवश उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी पहाड़ में गैरसैंण में, जिसके लिए उत्तराखंड के हमारे साथियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी बहन ने अपना सुहाग खोया, किसी बुजुर्ग ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी बेटी ने अपना बाप खोया, हमारी बहनों ने कठोर से कठोर प्रतिज्ञा सही, आज उसी पहाड़ के विधायकों को सदन में बोलने से रोका गया। अगर जल भराव आपदा है तो हम पहाड़ के लोग तो हमेशा जल में, हेमंत में बर्फबारी में और बरसात में जो है पानियों में रहते हैं, उसको आप क्या कहेंगे। सत्ता पक्ष ने आधा घंटे का समय दिया लेकिन विपक्ष ने 5 मिनट का समय भी देना उचित नहीं समझा, वो भी एक सीनियर विधायक का जो 3 बार जीत गया है, जिसने 2012 से लेकर 2022 तक डबल इंजन की प्रचंड शहर की सरकार की लहर को अपने विधानसभा में नहीं आने दिया। ये बड़ा दुख का विषय है। पहाड़ की अस्थायी राजधानी में पहाड़ के मुद्दे नहीं आए। मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, आप कसौटी उठाइए, पहाड़ का जिक्र कहीं पर भी आपदा का नहीं आया। खाली एक बार क्षेत्र का नाम लेने से आपदा क्षेत्र की पीड़ा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं धरातल से जुड़ा हूं, जीरो पर जुड़ा हुआ हूं, मैं हर आपदा क्षेत्र में जाता हूं। 163 मेरी ग्राम पंचायतें हैं, मैं उनकी एक एक पीड़ा यहां पर रखना चाहता हूं। साथ ही बगल पर लगा हुआ कपकोट विधानसभा है, या मेरे ही धारचूला विधानसभा से अगर सीमाओं से लगे हुए कहेंगे आप तो बद्रीनाथ की विधानसभा है। मैं इन तमाम पहाड़ की आवाज को, पहाड़ की पीड़ा को आपदा के मामले से सरकार को अवगत कराना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य सत्ता पक्ष ने आधे घंटे दिया और विपक्ष ने 5 मिनट देना उचित नहीं समझा। तो निश्चित तौर पे आज इस पहाड़ में पहाड़ के लोगों के साथ छलावा हुआ है दोनों दलों के। विधायक हरीश धामी ने सत्र के बाद विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हैं। आपदा जैसे विषय पर उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने विधायक हरीश धामी की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके क्षेत्र सहित अन्य स्थानों में आपदा से संबंधित जो भी प्रकरण है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।